ये देखो ब्राउन मुंडे बनने के लिए आपको थोड़ा ब्राउन कलर होना है, तो यहाँ पे कीचड़ में आप पानी पानी होकर ब्राउन मुंडे बन जाना, मस्त अपना ही रिमिक्स निकालना, मैं पानी पानी ब्राउन मुंडे। सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग भी सुबह 5 बजे उठा हूँ मैं आज, क्योंकि आज मेरे को निकलना है गुड़गांव। तो आया दोस्त के यहाँ, यही सेम जो लास्ट ब्लॉग में आया था दोस्त हिमांशु, जो मेरे बचपन का दोस्त है, उसके साथ उसी घर आया हूँ। अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में, वो आ रहा है बाहर, तो जाएंगे। और जो दिखाने वाला हूँ आगे वो बहुत मस्त जगह है, तो चलते हैं आगे, निकलते हैं और जल्दी पहुँचते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो पहुँचने में भी टाइम लगेगा। गुड़गांव जाना है यार, यहाँ से टाइम लगेगा, तो निकलते हैं आगे और फिर दिखाते हैं। तो भाई जो हॉर्स राइडिंग का मेन आता है ना यहाँ पर, आप ये बार्क एंड वॉक रिजॉर्ट है, एक यहाँ का फार्म हाउस है मतलब, तो ये डाल दोगे लोकेशन पे आप इधर पहुँच जाओगे। तो जिनको सीखना है वो आए, तो ये रोड जाती है सीधे गुड़गांव निकल जाता है आगे वाली रोड, तो वहाँ से हमें पहली मुड़ जाना है इस तरफ। तो हाँ, तो ये देख लो, ये बोर्ड है बार्क एंड वॉक, तो यहाँ से अंदर सीधे, ये पूरी रोड सीधे जाना है, ठीक है। तो मैं चलो आपको सीधे ले कर चलता हूँ। बहुत प्यारी रोड है, मतलब एकदम गांव वाला फील आ रहा है इस रोड पर, ऐसी ऊबड़ खाबड़ रोड, मिट्टी कीचड़ पौधे दोनों साइड, झाड़ झूड़। तो ये देखो फुल कीचड़ कीचड़, तो जिसको पानी पानी होना उसके लिए थोड़ा सा पानी भी है, मस्त कीचड़ वाला पानी, एकदम ब्राउन मुंडे बन जाओगे आप इसमें तैर तैर के। चलते हैं आगे। और ये नर्सरी है पूरी यहाँ पर, ये नर्सरी अंदर पूरी बनी हुई है, और इस तरफ जंगल टाइप मतलब है, जो भी है नर्सरी है वैसे, इस तरफ भी, इस तरफ भी, दोनों तरफ नर्सरी है। और यहाँ से सीधे ये देखो ब्राउन मुंडे बनने के लिए आपको थोड़ा ब्राउन कलर होना है, तो यहाँ पे कीचड़ में आप पानी पानी होकर ब्राउन मुंडे बन जाना, मस्त अपना ही रिमिक्स निकालना, मैं पानी पानी ब्राउन मुंडे। अबे साले, और क्या चाहिए आपको मेरे व्लॉग्स में, इतनी सही सही जगह दिखा दो भाई। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। हाँ, तो ये जो मेन एंट्रेंस दिख रहा है, ये इसका एंट्रेंस है, एंट्रेंस पॉइंट। यहाँ से अंदर हम लोग तो भाई इतना ढूंढे हैं ना, मतलब इतना थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गए थे हम लोग, गलत रास्ते पर निकल गए, सीधे चले गए, फिर वहाँ से पूछा तो उन्होंने तो पीछे है, तो हमने बोला ठीक है, ये भी ठीक है। तो वही अभी अंदर हम जाएंगे, और शायद अभी इन लोगों का हॉर्स जो है मतलब राइडिंग थोड़ी अभी टाइम ख़त्म हो गया, क्योंकि इनका सुबह सुबह चलता है। बाकी इस तरफ पार्किंग है, वो रही हमारी स्कूटी, इन बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच में एक अच्छी सी मस्त टैक्सी स्कूटी अपनी, तो यहाँ आए हैं। वैसे मतलब नॉर्मल अलाउ नहीं है यहाँ पे शूट करना, वो तो मतलब पापा आते हैं इधर, तो उन्होंने यहाँ के जो मेन मैनेजर है उनसे परमिशन ले ली, तो इसीलिए हम लोगों को शूट करने का मौका मिल गया इधर। अदरवाइज शूट करने का मौका ऐसे मिलता नहीं किसी को भी जल्दी। ये इनका पूरा राइडिंग क्लब का यहाँ पे तैयार, मतलब सिखाते हैं इस तरफ पूरा, जंप वंप हो गया, रनिंग हो गया, सारी चीज़ें। तो चलो मैं आगे चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको, ठीक है चलो। तो अभी हम लोग इनके जो यहाँ पर घोड़े खड़े करते हैं ये लोग, अभी उधर आए हैं, तो वहाँ थोड़े से घोड़े के बारे में जानते हैं इससे, तो चलते हैं पूछते हैं सबसे। बाकी ये देखो यहाँ पर ये है, इस तरह मतलब यहाँ सारे यहाँ पर घोड़ों को ये लोग खड़ा करते हैं सारे अपने पार्किंग टाइप का घोड़ों को मान लो। तो चलो आगे निकलते हैं। ये देखो ये 7-7 फुट के घोड़े, इतने बड़े बड़े। सो गाइस, ये प्रदीप भैया हैं, तो अभी यही है जो थोड़े घोड़ों के बारे में बताएंगे कौन सा। तो एक पहला ये कौन सा है, ये इंडियन घोड़ा है ये, क्या कौन सा नाम, प्रो ब्रीड है, प्रो ब्रीड, अच्छा सही है। तो पहले एक ये हो गया, उसके बाद आगे ये सारे तो विदेशी है ना दोनों, गॉड पाता, ओके। तो ये देख लो, ये 7-7 फुट की हाइट है इन लोगों की। इनकी कोई खासियत भी है ऐसे और कुछ, मतलब ट्रेन जैसा करोगे तो उस हिसाब से ये रहेंगे। ये देखो गाइस, हैरी
ये हैरी है, अभी इसकी मालिश चल रही है, सफाई चल रही है इसकी, ये अभी रनिंग के लिए लेकर जाना है इसको, तो उसी लिए अभी इसको तैयार कर रहे हैं। ये भी वही है सेम के मैक, अच्छा नाम सबके रखे हुए हैं, ये के मैप, ये हैरी, और वो वाला राजा राम, गॉड फादर। कहाँ है? अच्छा अंदर है इसमें। कौन सा है? प्रोटोबेलो। प्रोटोबेलो, तो ये रहा प्रोटोबेलो, वाइट कलर में है। इस तरफ भी एक है, क्या नाम है? एस्कोबार। एस्कोबार, तो ये देखो एक ये रहा। आओ आगे चले। तो देख लो यार, तुम लोगों के लिए इतने इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लेकर आ रहा हूँ मैं, तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, नहीं तो मैंने फिर बताना है तुम सबको ही। एक यहाँ हो गया काजल, जो ये काजल है, उसके बाद इंडियन है, ये छोटा सा था, ये देखो छोटा सा इधर है अंदर, ये अभी बच्चा ही वाला, और दो ये रहे इधर। ये इधर बच्चा है छोटा सा, और बाकी इधर ही, मतलब ये लोग सारे यहाँ पर सबको मतलब रखते हैं जब पूरा इनका हो जाता है, जैसे अभी इस तरफ राइडिंग चल रही है, तो इसके बाद जब सारे होंगे तो यहीं रखेंगे फिर इनका पूरा खाना, और इनको गर्मी ना लगे इसलिए सब जगह हर एक उसमें कूलर और फ़ैन इन्होंने लगाए हुए हैं, मतलब गर्मी नहीं सह सकते ये लोग ना, सबके लिए 24 घंटे ये कूलर चलते ही रहते हैं। तो ये पूरे देखो इसमें सब जगह कूलर इन्होंने लगाए हुए हैं। बाकी इनकी मैक्सिमम हाइट कितनी रहती है घोड़ों की? 6 से 7 फुट इनकी हाइट जाती है, और बाकी इंडियन और बाहर की कंट्री के सारे हैं, तो बाकी देखते हैं आगे, और कुछ मेरे को लगता है इंटरेस्टिंग थोड़ा शूट करने वाला तो मैं दिखाता हूँ आगे, ठीक है। वैस यहाँ पे ना पहले ना ये लोग घोड़ों को नॉर्मल वॉक करवाते हैं धीरे धीरे 4-5 मिनट तक, ताकि थोड़ा फ्लो बने, उसके बाद फिर इनकी रनिंग शुरू होती है, उसके बाद फिर ये लोग जंप वंप शुरू करवाते हैं, जैसे अभी उसका है रनिंग, उसकी स्टार्ट हो गई है, तो अभी नॉर्मल रनिंग, रनिंग के बाद फिर वही जंप की ट्रेनिंग, अभी वही वो जंप करवाने के लिए तैयार कर रहे हैं इसको, थोड़ी रनिंग चलेगी इसकी, बाकी ये लोग अभी स्टार्टिंग है तो इन लोगों की अभी वॉक स्टार्ट हो रखी, तो ये अभी नॉर्मल पहले वॉक करवाएंगे इसको, उसके बाद फिर ये लोग उसको पूरी शुरू करवाएंगे। तो गाइस इस टाइम पे ना मैं जो इस पूरे फार्म जो हॉर्स राइडिंग क्लब है, तो इनके जो मेन हेड है मैं उनके साथ हूँ, तो सर आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। मेरा नाम कैप्टन गुलाब सिंह है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, और मैंने 28 साल आर्मी में राइडिंग करी है, वहाँ पे मैं कोच और ट्रेनर रहा हूँ, और मैंने देश विदेशों में भी सर्विस में रहते काफ़ी टेक पार्ट किए हैं, उसके बाद मैंने जजिंग कोर्स किए हैं, कोर्स डिज़ाइनर के कोर्स किए हैं, और उसके बाद मैं इंडिया का कोच भी रहा हूँ, इंडियन टीम इवेंटिंग टीम का इंडियन कोच रहा हूँ, जो कोरिया में 2014 में मैं एशियन गेम का कोच गया था, तो उसके बाद में मैं यहाँ पे बच्चों को भी सिखाता हूँ और खुद भी गेम करता हूँ अभी भी, और मेरा बेटा भी हॉर्स राइडर है। तो आप भी यहाँ पे मतलब कितने टाइम से बच्चों को सिखा रहे हैं? मैं 2010 में रिटायर हुआ था आर्मी से, उसके बाद में मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ, आर्मी 11 साल हो गए आपको सिखाते हुए, ट्रेनिंग देते हुए सबको, और अभी भी आर्मी ऑफिसरों को भी मैं सिखाता हूँ, आर्मी के जवान हैं वे भी सीखते हैं मेरे से, मतलब आप ये स्पोर्ट्स के लिए ट्रेन करते हो कि हाँ जो मतलब स्पोर्ट्स होते हैं इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में स्पोर्ट्स होते हैं तो उनके लिए आप सबको ट्रेन करते हैं यहाँ पे सारे घोड़ों का, मतलब यहाँ पे आपके अपने घोड़े आपने रखे हुए हैं या मतलब ये मेरे घोड़े हैं सारे करीब, और एक आधा किसी का कोई स्टेबलिंग में कोई बच्चा अगर अपना घोड़ा लेके रखा है तो उस घोड़े को भी रख लेते हैं हम,
वो भी हमारे पास। एक घोड़े का रखने का महीने का खर्चा कितना आ जाता होगा? करीब करीब 30,000। 30,000 पर मंथ का एक घोड़े का खर्चा आता है। तो मतलब आउट ऑफ कंट्री के भी घोड़े रखे हुए और इंडियन भी है सारे? इंडियन भी है और मेरे पास में 7-8 घोड़े बॉम्बलोड हैं जो बाहर बॉम्बलोड कंट्री के हैं। हाँ जी, कोई जर्मन से है, कोई नेदरलैंड से है, कोई मतलब ये घोड़े बाहर भी आप भेजते हो ट्रेनिंग करके कि यहीं पर ये इंडिया के? हाँ, ये बाहर भी जाते हैं। जैसे मेरे पास में एक हैरी घोड़ा है। हाँ जी, वो एशियन गेम करके आया हुआ है बाहर से। एशियन गेम? हाँ, तो एशियन गेम में गया था वो। बहुत बढ़िया घोड़ा है, इवेंटिंग का टॉप घोड़ा है और वो मेरा भी मेरे स्टेबल में ही है, जिसको ये लड़की चलाती है अभी निरंतर। हाँ देखा, अभी काफ़ी अच्छे सारे आपने ट्रेन किए हुए हैं। तो गाइस आपने देखी होगी सारी वीडियो, काफ़ी अच्छी थी। सर ने मतलब वैसे किसी को परमिशन नहीं मिलती जल्दी यहाँ पे शूट करने की, बट सर ने परमिशन दी, उसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं, आगे मिलते हैं आपसे और फिर आगे देखते आगे क्या करेंगे। थैंक यू सर। वैसे इस टाइम पे ना मेरे साथ जो मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं स्टूडेंट जो यहाँ इन सर के, तो मैं उनके साथ हूँ। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयसूर है। जयसूर, ओके। तो कब से मतलब हॉर्स राइडिंग आप कब से कर रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे तो मेरे को भी 3 साल ही हुए हैं। मैंने राइडिंग शुरू की थी मेयो कॉलेज अजमेर में पढ़ता था मैं। अच्छा, बोर्डिंग स्कूल में था, मेयो कॉलेज में था। तो वहाँ पे मैंने 5th ग्रेड में राइडिंग स्टार्ट की थी। 5th ग्रेड? हाँ जी। मतलब काफ़ी टाइम से राइडिंग करते हुए? हाँ, ऑलमोस्ट। तो मतलब खुशी आप कॉम्पिटिशन में भी जाते हैं या नॉर्मल अपने मतलब? नहीं, कॉम्पिटिशन बहुत मेजर खेलता हूँ, बहुत मेजर ट्रॉफीज जीती हुई हैं मैंने इस साल। और मैंने 3 इंटरनेशनल भी खेले हुए हैं, इंटरनेशनल रशिया, इजिप्ट और एक इंडिया में था। तो मतलब अभी स्पोर्ट्स के लिए भी तैयारी करती रहते हो? हाँ जी, हाँ जी। मैं इस साल इंग्लैंड जा रहा हूँ कॉलेज के लिए सितंबर में। तो वहाँ पे राइडिंग करूँगा, वहाँ पे डिसाइड करूँगा। तो मैं वो मैंने 2026 के ट्रायल्स के लिए तैयारी करनी है, तैयारी करनी है क्या? तैयारी करनी है। चलो बढ़िया है, होप करते हैं जीत कराओ इस बार भी, तैयारी करो। थैंक यू, बाकी थैंक यू सो मच। तो इस टाइम पे मेरे साथ एक और स्टूडेंट आ गए हैं। तो नाम क्या है आपका? नाम युवराज भाटिया। युवराज भाटिया, तो ये भी यहीं पर इन्हीं सर से सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। तो कब से ट्रेनिंग कर रहे हो आप, मतलब कब से सीख रहे हो यहाँ पर? यहाँ पे मैंने 2018 से स्टार्ट किया था, बट पहली बार ही मैं घोड़े पर बैठा था स्कूल में। मैं बाहर मतलब फर्स्ट कब मतलब ज्वाइन स्टार्ट कब? 2011 में किया था। मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा, सिंधिया स्कूल ग्वालियर। मतलब आप वो साथ में थे या अलग? नहीं, वो अजमेर में था और मैं ग्वालियर में। ग्वालियर में हम अलग अलग यहाँ साथ में आए हो। बढ़िया। तो मतलब एज अ कॉम्पिटिशन इसको रखो है, एज अ हॉबी इसको हॉर्स राइडिंग? मैं आगे प्रोफेशनली इसे ज्वाइन करूँ। प्रोफेशनली आगे लेकर जाओगे, मतलब कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करो सारी सारी। तो आगे कोई सोचा हुआ अभी कमिंग ईयर्स में कुछ कॉम्पिटिशन में, जिसकी अभी तैयारी चल रही है इस चीज़ में? अभी छोटे मोटे कॉम्पिटिशन नॉर्मल, मतलब स्टेट लेवल और जो इंडिया स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, नेशनल स्टेट लेवल। बढ़िया, तो अच्छा लगा बात करकर। होप करते आगे आप अच्छे से निकलो और आगे कॉम्पिटिशन में लेकर जाओ, क्योंकि अभी इस टाइम पर तो हॉर्स राइडिंग बहुत कम ही लोग इंडिया में ज़्यादातर करते हैं। देखते हैं आगे चलते हैं, आगे हो रहेगा और अच्छा रहेगा। थैंक यू। सो गाइस इस टाइम पर अभी हम वापस जा रहे हैं, पूरा ब्लॉग मैंने दिखा दिया, एंड हुआ, ख़त्म होता है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और यार इतने इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लेकर आता हूँ यार मैं तुम लोगों के लिए, इतने अलग अलग जगह जाकर। आज भी सुबह 4 बजे उठकर मैं इधर आया हूँ। तो यार थोड़ी तो मतलब तुम लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो ना यार, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, 1K तो पहुँचा दो यार अभी, ठीक है। और हिमांशु तेरे को मज़ा आया इधर आके? मज़ा आया ना, घोड़े वोड़े देख कर एकदम सुबह सुबह उठ कर। एक तो लगभग 1 घंटे हम लोग ट्रैवल कर आए हैं वहाँ से, यहाँ मतलब दिल्ली से गुड़गांव पहुँचे हैं सुबह सुबह उठ कर। तो अभी जाएंगे कुछ खावा लेंगे फिर निकलेंगे, क्योंकि भूख भी लग रही, खाकर नहीं निकले थे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए ना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों को फॉलो करना है, ठीक है। और मेरा डिस्कॉर्ड लिंक भी है नीचे, तो डिस्कॉर्ड में भी ज्वाइन कर लो मेरे को, वहाँ भी मस्ती करेंगे पूरी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए मैं सोचता हूँ कुछ नया इंटरेस्टिंग व्लॉग आपके लिए लाने के लिए। और आप लोग तब तक लाइक करो और कमेंट करते रहो, रुकना नहीं चाहिए। तो बाय।